हेलो बच्चों बच्चों, आज हम 12th क्लास के लिए पंचलाइट कहानी लाए हैं, जो बहुत ही कम शब्दों में तुमको बहुत अच्छी तरीके हम समझाएंगे। और आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक में जरूर बताना, ठीक है बच्चों? चलिए हम कहानी पर बात करते हैं। इंटर में पंचलाइट कहानी का सारांश या कथानक पूछते हैं, तो मैं सारांश बता रहा हूँ कहानी में क्या क्या घटनाएं होती हैं। पहली बात, पंचलाइट कहानी फणीश्वरलाल रेणु जी की है, जो एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी मतलब होती है क्या, किसी पिछड़े हुए गांव की कहानी को दिखाना। अब मान लीजिए बिहार के पिछड़े हुए गांव की काल्पनिक कहानी एक तरीके से है, जो फणीश्वरलाल रेणु जी ने लिखी है। अब इस गांव में होता क्या है, पंचलाइट, पंचलाइट जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं, और सीधी भाषा में कहा जाए तो लांटेन, ठीक है। रामनवमी का मेला लगा होता है, महतो टोली के लोग होते हैं बेटा, महतो टोली के लोग होते हैं, रामनवमी का मेला लगा होता है, और सरदार लोग चंदा लगाकर, जो सरदार लोग होते हैं वो लोग चंदा लगाते हैं, और चंदा लगाकर इकट्ठा करते हैं पंचलाइट खरीदने के लिए वो लोग। अब भाई जब वो लोग रामनवमी के मेले में जाते हैं, सभी के चेहरे पर एक खुशी का भाव होता है, सबके चेहरे पर एक खुशी का भाव होता है। अब भाई सभी लोग गए मेले में, और वहां पर उन्होंने पैक्टोमैक्स खरीदी। पैक्टोमैक्स उनके लिए एक नई चीज थी, बिल्कुल नई वस्तु थी उनके लिए, और जो रुपए बचे हुए थे उनसे उन्होंने पूजा की सामग्री खरीद ली। उन पैसों से, जो बचे हुए पैसे थे, उनसे पूजा की उन्होंने सामग्री खरीद ली। अच्छा, अब सबके गांव में सभी के चेहरे पर खुशियों का माहौल था, मतलब सभी खुश थे। पंचलाइट थी भाई, पंचलाइट के लिए वो यानी सरदार जी अपनी पत्नी से कहते हैं, जाओ पूजा की तैयारी करो, सामग्री इकट्ठा करो, सब पूजा की भजन कीर्तन रात्रि में होंगे सारे सब कुछ। तो सभी पूरे महतो टोली के लोग में एक नई चमक थी, नई खुशी थी। उसके बाद होता क्या बेटा है कि पंचलाइट ले तो आते हैं, मगर अब वो लोग अनपढ़ अशिक्षित लोग होते हैं, तो कहने का मतलब उनको पंचलाइट जलाना नहीं आता है। अब वो लोग सोचते हैं भाई पंचलाइट जलाएगा कैसे कौन। अब दूसरी टोली के लोग होते तो अगर कहते हैं कि अगर दूसरी टोली के लोग से हम जलवाएंगे तो इसमें हमारी बेइज्जती है। तो भाई इस अब सबके चेहरे जितनी खुशी से खुश थे, मासूमियत छा गई सब में, हम सभी दुखित हो गए, सबके निराश चेहरे हो गए। तो उसी गांव में मुन्नी राम की एक लड़की रहती थी, जिससे गोधन नामक युवक प्रेम करता था, और उसकी माँ गुलरीका की थी। और मुन्नी को देखकर गोधन गाना गाता था सिनेमा का, तो उसकी माँ ने सरदारों और पंचों से शिकायत कर दी कि ये जब भी मेरी बेटी को देखता है तो गाना गाकर निकलता है मेरे घर के दाने। तो उसका गांव से बाहर कर दिया गया, उक्का उक्का पानी बंद कर दिया, गांव से बाहर बाहर कर दिया। पहले ऐसा गांव में होता ही था, तुम लोग जानते हो ना। अब भाई मुन्नी जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अब उसने कहा कि सीधा तो मैं सरदारों से नहीं कह सकती हूँ, तो उसने अपनी सहेली कनेली का साथ लिया और कनेली को बता दी ये बात। अब कनेली ने जाकर ये बात पंचों से बता दी। अब भाई पंचों से जब बताई ये बात, तब पंचों ने भाई तुरंत पंचायत बैठा ली कि भाई गांव की इज्जत की बात है, बुलाना भी जरूरी है। तो कहते गोधन ऐसे आएगा नहीं, अब क्या किया जाए। तो भाई वो लोग मुन्नी को बुलाते हैं। अब मुन्नी को वो लोग जब बुलाते हैं तो मुन्नी जाती है, मगर वो आने कोशिश नहीं करता, मगर जब गांव की बात है तो कहता है ठीक है शाम को हम आएंगे। अब सभी के चेहरे पे एक नई खुशी फिर से जागृत हो गई गोधन के कारण। भाई आता है भाई संध्या के समय, सभी पूजा की सामग्री सभी इकट्ठा होते हैं, तो एक तरीके से वो मिट्टी के तेल सबसे पहले मांगता है कि लाइए, अच्छा मिट्टी के तेल लाइए जलाए, तो मिट्टी के तेल नहीं मिल पाता उस समय। तो कहते हैं कोई बात नहीं, सबके चेहरे फिर उदास होने लगे थे। फिर वो कहते हैं अच्छा नारियल का तेल होगा ना, तो नारियल का तेल देते हैं। गोधन उसको वो बड़ी मुश्किली से जलाता है, सभी के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ उठी, और भजन कीर्तन हुए, सभी ने पूजा पाठ अच्छे से किया। और इस तरीके से देखा जाए तो सरदारों ने कहा कि जाओ अब खूब गाओ सिनेमा का गाना, तुम्हारे सातों खून माफ। उधर मुनरी एक तरफ से गोधन को देखती है, मुस्कुराती है, और गोधन भी मुस्कुराता है उसकी तरफ से। और गुलरी काकी कहती है गोधन रात्रि का भोजन हमारे यहाँ खाना आकर। इस तरह एक ये सुंदर कहानी थी, जो एक पंचलाइट है। आप लोग जान चुके हैं पंचलाइट कहानी क्या है। मैंने साधारण शब्दों में तुमको कहानी सुनाई है, साहित्यिक भाषा में तुमको नहीं मेरा बेटा बताया है। साहित्यिक भाषा में डिफिकल्ट शब्द आ जाते हैं, अगर मैं साहित्यिक भाषा में पढ़ाता, मैंने साधारण शब्दों में पढ़ाई है। अगर ये कहानी तुमको समझ में आए तो जरूर बताना, ठीक है बेटा। आज की ये कहानी इतनी, ठीक है बेटा।